Hello students, in the last video, we have completed the first AM technique, that is DSB-FC, double sideband with full carrier, okay? Now, in this video, we will study next AM modulation technique, that is DSB-SC, double sideband with suppressed carrier. But before studying DSB-SC, we first analyze what are the disadvantages of DSB-FC. That is double sideband with full carrier. Ki disadvantages aapki kya kya thi? Jiske karan ab hame DSB-SC study karna hai. Theek hai? To disadvantages of DSB-FC. Okay? To jo first major disadvantage hai aapki DSB-FC ki, wo hoti hai, ki aapka DSB-FC ki agar aap equation mein dekhenge, jo ki basic AM ka equation tha, us equation mein agar aap dekhe yahan par dhyan se, ST is equal to AC, 1 plus KAMT cos omega CT. Okay. अगर मैं इस equation को open करूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AC cos omega CT plus AC KAMT cos omega CT. Okay. तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि ये जो आपका एक extra term आ रहा है carrier का, जिसमें आपका कोई message part नहीं है, ठीक है? वो टर्म जो है आपका वो वेस्टेज है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था डीएसबीएफसी को स्टडी कराते टाइम ठीक है ना तो ये जो आपका टर्म है जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा पावर यूज करना पड़ता है ट्रांसमीटर साइड में ठीक है ना सेंड करने के लिए इस टर्म को क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल वाले पार्ट को ही सेंड करना होता है बट यहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है फुल कैरियर का ठीक है ना आपको अगर याद हो तो ये टर्म जो है आपको देता था अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड और जो ये टर्म है दैट इज फुल कैरियर तभी इसका नाम था डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर ठीक है हमें सिर्फ साइड बैंड से मतलब होता है क्योंकि साइड बैंड ही आपकी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है ठीक है तो ये जो टर्म है इसके कारण आपका एक्स्ट्रा पावर वेस्ट होता है तो जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है आपकी एक्स्ट्रा ट्रांसमीटर पावर इन टर्म्स ऑफ कैरियर पावर ठीक है और अगर आपको एग्जांपल याद हो तो मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू जब 1 लिया था तो 66.67% पावर आपका कैरियर के फॉर्म में वेस्ट हो रहा था जबकि सिर्फ और सिर्फ 33.33% पावर साइड बैंड में यूज हो रहा था ठीक है ना तो ये आपको पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था डीएसबीएफसी का ठीक है और हम ये भी देखेंगे डीएसबीएससी में कि हाउ वी ओवरकम विद दिस डिसएडवांटेज ओके नाउ सेकंड जो आपका डिसएडवांटेज है वो है हायर बैंडविड्थ ओके तो आपने देखा था जो बैंडविड्थ होती है इन केस ऑफ डीएसबीएफसी वो कितनी होती है आपकी 2 FM ओके जो कि आपकी बहुत हाई है इसे भी आप आने वाली मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में देखेंगे कि कैसे आपकी बैंडविड्थ लो हो जाएगी ठीक है नाउ नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है मेजर जो आपने डीमॉड्यूलेशन साइड में देखा था सिंक्रोनस डिटेक्शन में दैट इज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट ओके ये हमने लास्ट वीडियो में ही स्टडी किया है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट जिसके कारण से रिसीवर के आउटपुट में जो आंसर है वो 0 आया था हमारा ठीक है तो ये सारे बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं आपके जो हमें ओवरकम करने हैं आने वाली मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में हो सकता है कुछ डिसएडवांटेज आपके ओवरकम हो जाए डीएसबीएससी में और कुछ ओवरकम हो जाए आपके एसएसबीएससी में ओके नाउ तो यहां पर हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे डीएसबीएससी से दैट इज कॉल्ड डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर दैट मींस जो लास्ट टेक्निक थी जिसमें फुल कैरियर था जहां पर कैरियर का टर्म प्रेजेंट था यहां पर हम कैरियर को सप्रेस कर देते हैं मींस कैरियर का टर्म आपका रिमूव हो जाता है ओके तो यहां पर जो डीएसबीएससी टेक्निक है आपकी उसमें मैं सबसे पहले मॉड्यूलेशन का इक्वेशन अगर कंसीडर करूं तो इसके लिए जो मैसेज सिग्नल होगा आपका दैट विल बी एमटी एंड कैरियर सिग्नल जो होगा दैट विल बी एसी कॉस ओमेगा सीटी ओके तो यहां पर जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है डीएसबीएससी के केस में वो होता है एमटी इनटू एसी कॉस ओमेगा सीटी तो बहुत इजी है इसे याद रखना जस्ट मैसेज और कैरियर का आपका मल्टीप्लीकेशन होता है ओके तो इसे हम थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं एसी एमटी cos omega ct this is the standard equation of dsb sc double sideband with suppressed carrier
आप यहां देख सकते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टर्म है और इन दिस टर्म आपका मैसेज सिग्नल प्रेजेंट है, ठीक है ना। इन दिस टर्म इंफॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट है क्योंकि एम्प्टी प्रेजेंट है, ठीक है ना। सिर्फ कैरियर नहीं है, एम्प्टी भी प्रेजेंट है और प्लस में एक्स्ट्रा कैरियर का कोई टर्म नहीं है जो कि आपका डीएसबी एफसी में प्रेजेंट था। ओके तो यहां पर हमने कैरियर को सप्रेस्ड कर दिया, दैट मींस जो कैरियर के कारण जो एक्स्ट्रा पावर लग रहा था अब वो नहीं लगेगा, उसका भी एनालिसिस हम लोग करेंगे आगे जाकर यहां पर। क्लियर है पॉइंट। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लूं, एसएफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो फॉर एसएफ हम लोग यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म कंसिडर करेंगे एसटी का। ओके तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपका एमटी जो है वो कॉस के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया हुआ है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एम एफ माइनस एफ सी, ठीक है, प्लस एम एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है ना। मींस आपका जो एम एफ का फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो एक बार लेफ्ट शिफ्ट होगा एफ सी से, एक बार राइट शिफ्ट होगा और ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। सेम थिंग हम लोग स्टडी कर चुके हैं डीएसबी एफसी में भी, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर से एक ट्रायंगुलर कंसीडर कर लूं तो क्या होगा, एम एफ माइनस एफ एम एंड पॉजिटिव साइड हो जाएगा प्लस एफ एम। ओके तो सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं कंसिडर कर रहा हूं मैसेज सिग्नल एम टी का जो हमने डीएसबी एफसी में किया था, ठीक है ना, बेसिक ए एम टेक्निक में किया था, ठीक है। तो अब यही जो आपका एम एफ है ये एक बार प्लस एफ सी से शिफ्ट होगा, एक बार माइनस एफ सी से शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यूज में, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज में एक बार प्लस एफ सी एड करेंगे तो डायग्राम कैसा होगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है ना, एफ सी एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। सेम आपका नेगेटिव साइड बन जाएगा जब आप पूरे डायग्राम में माइनस एफ सी करेंगे, माइनस एफ सी प्लस एफ एम एंड माइनस एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। ये एक्चुअल में ये डायग्राम हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बहुत डिटेल में, मैं आपको बता चुका हूं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। ओके सो यहां पर हमारा शिफ्ट हो गया प्लस एफ सी से एंड माइनस एफ सी से। नाउ एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय टू, तो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए सी बाय टू। ओके मैं यहां पर एम एफ का एम्पलीट्यूड वन ले रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ ए सी ही आपका एम्पलीट्यूड होगा, तो एम्पलीट्यूड ए सी डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है। नाउ यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं अगर आप इसको डीएसबी एफसी के स्पेक्ट्रम से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि डीएसबी एफसी में एफसी पर एंड माइनस एफसी पर आपके इम्पल्सेस थे और वो इम्पल्स जो थे आपके वो थे आपके बिकॉज ऑफ द कैरियर टर्म। यहां पर चूंकि कैरियर टर्म नहीं है इसलिए यहां पर कोई इम्पल्स भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करूं फॉर बैंडविथ कैलकुलेशन तो आप देखेंगे कि बैंडविथ आपकी एग्जैक्टली सेम है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या था, एफ सी प्लस एफ एम एंड लोवेस्ट क्या था, एफ सी माइनस एफ एम इन द पॉजिटिव साइड। ओके तो यहां पर भी आपका सेम है तो बैंडविथ कितनी हो जाएगी आपकी 2 FM, ठीक है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बैंडविथ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, बैंडविथ जो है आपकी वो 2 FM की 2 FM है। इसका मीनिंग क्या है, बैंडविथ हम नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक में इंप्रूव करेंगे, अभी के लिए बैंडविथ आपकी सेम है बट एक इंप्रूवमेंट हो चुकी है ऑलरेडी कि हमने कैरियर टर्म को सप्रेस कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसके पावर वगैरह का एनालिसिस करने के लिए सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कंसिडर करूं तो आपको सिंगल टोन मॉड्यूलेशन याद होगा, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का मीनिंग होती थी आपकी कि आप लोग एम टी की वैल्यू पुट करते थे ए एम कॉस ओमेगा एम टी। ओके तो अब अगर मैं डीएसबी एससी के बेसिक इक्वेशन में एमटी की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए सी ए एम कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी। क्लियर है पॉइंट। नाउ अगर मैं यहां पर कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो वो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू। ओके
तो यहां पर हो जाएगा cos omega c plus omega m into t plus cos omega c minus omega m into t, okay, divided by 2 already हम लिख चुके हैं यहां पर, ठीक है. Now, अब अगर मैं यहां पर इसका पहले डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, इसका स्पेक्ट्रम फिर से ड्रॉ कर लेता हूं फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, आफ्टर दैट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिसिस का वो होगा पावर. बट पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके शो कर देता हूं कि बैंडविथ फिर से क्या आनी चाहिए आपकी 2fm. ओके, तो डायग्राम कैसा हो जाएगा आप देखिए, f sf. ओके, हमें पता है कि यहां पर दोनों के दोनों टर्म किसके हैं, cos के हैं, और cos के साथ सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है. तो हमें पता है अगर cos के साथ कोई कांस्टेंट हो मल्टीप्लिकेशन में तो हमेशा क्या बनते हैं आपके, इंपल्सेस बनते हैं, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में और एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है आपका, डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है. ओके, तो फर्स्ट टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, fc plus fm, तो यहां पर आप लिख दीजिए fc plus fm, एंड नेगेटिव साइड में क्या हो जाएगा आपका, माइनस fc माइनस fm, एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, सो ac am डिवाइडेड बाय 4, ac am डिवाइडेड बाय 4. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, fc माइनस fm, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, fc माइनस fm, और नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा आपका, माइनस fc प्लस fm. ओके, एम्पलीट्यूड आपका सेम ही रहेगा, आप देख सकते हैं ac am बाय 2 है, तो क्या हो जाएगा ac am बाय 4. क्लियर है पॉइंट. तो ये आपका स्पेक्ट्रम ड्रॉ हो गया यहां पर फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन dsb-sc. यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है आपकी पॉजिटिव साइड में, fc plus fm, एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, fc minus fm. तो क्लियर होगा बैंडविड्थ आपकी फिर से क्या हो जाएगी यहां पर, 2fm हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, दैट्स इट. तो आपका ये एनालिसिस बैंडविड्थ के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सेम है, ठीक है ना. लेकिन जो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का जो मेजर यूज है वो आप बोल सकते हैं पावर के लिए. आप पावर का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है. यहां मैं मैथमेटिकल यूज की बात कर रहा हूं. नाउ यहां पर अगर हम देखें पावर के लिए, तो टोटल पावर पीटी, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट टर्म आपका कॉस है, तो कॉस के साथ कोई एम्पलीट्यूड है, तो हमने क्या सीखा हुआ है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. तो यहां पर एम्पलीट्यूड है ए सी ए एम बाय 2, तो ए सी ए एम बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. तो यहां पर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. सेकेंड टर्म का भी सेम है एम्पलीट्यूड, सो अगेन ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. क्लियर है अच्छे से. तो ये आपका हो जाएगा पावर. नाउ यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जब हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन डीएसबी एफसी में कंसीडर किया था, तो हम लोगों ने वहां पर कंसीडर किया था एक कंसेप्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ठीक है ना. मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है आपका वो क्या होता है, के ए इंटू ए एम, ठीक है. हम लोगों ने यहां पर डीएसबीएससी में के ए का कोई कंसेप्ट यूज ही नहीं किया है, ठीक है ना. आप देख सकते हैं डीएसबीएससी के स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपका के ए का कोई टर्म नहीं है. क्लियर है पॉइंट. इसकी क्या मीनिंग हो सकती है, इसकी ये मीनिंग हो सकती है कि के ए जो है आपका वो 1 है, तभी यहां पर यूज नहीं हुआ है. और अगर के ए आपका 1 है, ठीक है, तो के ए इंटू ए एम यहां पर आपका 1 से ग्रेटर हो जाएगा. क्यों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो जनरली 1 या 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है. इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है. और आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो एम ए है एक्चुअल में वो ए एम के ही इक्वल है, ठीक है. वैसे तो हम यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स वर्ड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि यहां पर के ए जो है वो 1 है और जो एम ए है वो आपका किसके इक्वल है, ए एम के ही इक्वल है. उससे आपको फायदा क्या हुआ, देखिए आपने वहां पर जो साइड बेंड पावर याद किया था या आपने जो साइड बेंड पावर वहां पर कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो कितना था आपका, ए सी स्क्वायर एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.
ठीक है, टोटल साइड बेंड पावर का आपका वही फॉर्मूला था इन केस ऑफ डीएसबी एफसी। ठीक है, यहां पर भी कैरियर टर्म तो प्रेजेंट नहीं है, जो पावर है आपके वो साइड बेंड पावर ही है, क्योंकि आपकी यहां पर एक अपर साइड बेंड प्रेजेंट थी एफसी प्लस एफएम पर और एक लोअर साइड बेंड प्रेजेंट थी एफसी माइनस एफएम पर। ओके, तो आप देख सकते हैं जो साइड बेंड पावर है यहां पर वो आया है एसी स्क्वायर एएम स्क्वायर बाय 4। तो आप देखिए लास्ट फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में एमए की जगह सिर्फ एएम है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर मैं यहां पर बात करूं पावर के रेस्पेक्ट में ही एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था साइड बेंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो साइड बेंड पावर है आपकी वो आ गई एसी स्क्वायर एएम स्क्वायर बाय 4 और टोटल पावर वो भी तो आपका सेम है। एक्चुअल में आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है यहां पर, क्योंकि आपकी टेक्निक का नाम ही है डबल साइड बेंड विद सप्रेस्ड कैरियर। कैरियर का कोई एक्स्ट्रा टर्म आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, टोटल पावर ही साइड बेंड पावर है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 1, दैट इज आप क्या लिख सकते हैं 100%। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इज 100%। ओके, क्लियर है पॉइंट। नाउ यहां पर अगर मैं पावर सेविंग कैलकुलेट करूं, पावर सेविंग दैट मींस जब हम लोग डीएसबी एफसी से डीएसबी एससी की तरफ मूव किए तो कितना पावर आपका सेव हुआ। ठीक है ना, तो आप देखिए यहां पर पावर सेविंग के लिए हम लोग फॉर्मूला किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। पावर सेविंग मींस कितना पावर सेव हुआ, तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे कैरियर का पावर सेव हो रहा है, दैट मींस पीसी पावर सेव हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। वहां पर आपका कैरियर का टर्म एक्स्ट्रा होता था जिसके कारण एक पीसी पावर जनरेट होता था। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल पावर जो कि आपका डीएसबी एफसी में जनरेट होता था वो कितना था, पीसी 1 प्लस एमए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, तो ये आपका पावर सेविंग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेव्ड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, ठीक है, जो आपका डीएसबी एफसी में था। तो हम लोग यहां क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर सेविंग व्हेन वी मूव फ्रॉम डीएसबी एफसी डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर टू डीएसबी एससी डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर। ओके, सो आप देख सकते हैं पीसी और पीसी कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, 2/2 प्लस एमए का स्क्वायर। ओके, आपको याद होगा फॉर एमए इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ डीएसबी एफसी कितना पावर वेस्ट होता था आपका, 66.67% पावर, ये हमने एनालिसिस किया हुआ है। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, एमए की वैल्यू 1 पुट करता हूं। ओके, तो जो आपका पावर सेविंग है वो कितना हो जाएगा, 2/3। ओके, एमए की वैल्यू 1 है तो 2/3 मतलब मींस क्या हो जाएगा, 0.66। ओके, दैट मींस 66%। ओके, तो इतना ही पावर यहां पर सेव हो गया जितना पावर वहां पर आपका वेस्ट होता था। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को यहां से रीचेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्मूला आपने करेक्ट डिराइव किया है कि नहीं किया है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। हमने प्रूफ कर दिया कि 66.67% पावर आपका वहां वेस्ट होता था इन फॉर्म ऑफ कैरियर, और यहां पर आपका 66.67% पावर ही क्या हो रहा है, सेव हो रहा है जब आप कंपेयर कर रहे हैं इस टेक्निक को डीएसबी एफसी से। क्लियर है अच्छे से। नाउ अब अगर मैं यहां पर नेक्स्ट कंसेप्ट कंसीडर करूं इन केस ऑफ डीएसबी एफसी, तो वो है आपका मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। तो इन केस ऑफ मल्टी टोन आपको पता है हमने सेम एनालिसिस किया हुआ है डीएसबी एफसी में। क्या करते हैं हम लोग, एमटी की वैल्यू जो है वो सिंगल कॉस्टम की जगह हम लोग एक से ज्यादा कॉस्टम कंसिडर करते हैं। तो मैं यहां पर 2 कॉस्टम कंसिडर कर रहा हूं, ए एम वन कॉस ओमेगा एम वन टी, ए एम टू कॉस ओमेगा एम टू टी, ठीक है ना, एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं बट मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स कंसिडर ले रहा हूं। ठीक है ना, यहां पर आप देखिए जो आपका एस टी है डीएसबी एस सी सिग्नल है वो क्या होता है, ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो क्या हो जाएगा, ए सी ए एम वन कॉस ओमेगा सी टी इन टू कॉस ओमेगा एम वन टी प्लस ए सी ए एम टू कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टू टी। क्लियर है,
देख सकते हैं आप कि आपके टर्म्स जो है वो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के जैसे ही हैं, बट एक से ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो एनालिसिस बिल्कुल सेम होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, एस टी इज इक्वल टू अगेन कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, सेम है बिल्कुल, ए सी ए एम वन बाय टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वन टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वन टी, क्लियर है। प्लस क्या हो जाएगा, सेम थिंग आपको रिपीट करनी है, बस वन की जगह आपको क्या करना है, टू कर देना है, ठीक है। तो कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टू टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टू टी, क्लियर है पॉइंट यहां तक, ठीक है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये जो टी है आपका ये आउटसाइड होगा, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लूं तो क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम एसएफ, आप देख सकते हैं जो इंपल्स आपके ड्रॉ हो रहे थे इन केस ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन सेम इंपल्स ड्रॉ होंगे, बट वो डबल हो जाएंगे क्योंकि आपने एक की जगह यहां पर दो दो टर्म कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को आप चेक करिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपका एफ सी प्लस एफ एम वन, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिलेशनशिप यहां ले लेता हूं, दैट इज जो एफ एम टू है वो ग्रेटर है एफ एम वन से और जो आपका ए एम टू है वो ग्रेटर है ए एम वन से, ठीक है। इससे आपको एक मैथमेटिकल आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इंपल्स आपका किस पोजिशन पे ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है एफ सी प्लस एफ एम वन, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, ए सी ए एम वन बाय टू, तो क्या हो जाएगा आपका एफ सी प्लस एफ एम वन, ओके, और एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय टू, तो ए सी ए एम वन बाय फोर, सेम आपका नेगेटिव साइड माइनस एफ सी माइनस एफ एम वन, एम्पलीट्यूड आपका सेम रहेगा, क्लियर है। नाउ आप नेक्स्ट टर्म देखिए, एफ सी माइनस एफ एम वन, तो ये आपके पहले आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एफ सी माइनस एफ एम वन, एम्पलीट्यूड इसका भी सेम है और सेम आपका ये नेगेटिव साइड ड्रॉ हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एम वन, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एफ सी प्लस एफ एम वन ड्रॉ हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एफ सी प्लस एफ एम टू, ओके, सो एफ सी प्लस एफ एम टू, आप देख सकते हैं एफ एम टू इज ग्रेटर देन एफ एम वन है, तो एफ सी प्लस एफ एम टू क्या होगा, एफ सी प्लस एफ एम वन के राइट साइड में ड्रॉ होगा, ओके, सो दिस इज एफ सी प्लस एफ एम टू, ओके, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा आपका क्योंकि ए एम टू इज ग्रेटर देन ए एम वन, कितना हो जाएगा ए सी ए एम टू डिवाइडेड बाय फोर, सेम आपका नेगेटिव साइड में आ जाएगा, ओके, माइनस एफ सी माइनस एफ एम टू, ओके, एंड एम्पलीट्यूड इज ए सी ए एम टू डिवाइडेड बाय फोर, ओके, सेम एम्पलीट्यूड आपका होगा इसका भी। नाउ अब अगर मैं नेक्स्ट टर्म को ड्रॉ करूं तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या है एफ सी माइनस एफ एम टू, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए एफ एम टू इज ग्रेटर देन एफ एम वन है, इसका मतलब एफ सी माइनस एफ एम टू जो है माइनस में है ना, तो एफ सी माइनस एफ एम वन से वो और लेस होगा, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो एफ सी माइनस एफ एम वन के रेस्पेक्ट में वो लेफ्ट साइड ड्रॉ होगा, तो कितना हो जाएगा ये वाला एफ सी माइनस एफ एम टू, ओके, एंड सेम आपका किस साइड ड्रॉ हो जाएगा, नेगेटिव साइड, ओके, माइनस एफ सी प्लस एफ एम टू, एंड जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा ए सी ए एम टू बाय फोर, क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका हो गया यहां पर मल्टीटोन डीएसबी एससी का स्पेक्ट्रम। नाउ यहां पर अगर मैं बैंडविड्थ कंसिडर करूं तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी आपकी, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, कितनी हो गई 2fm2, ओके, ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है जैसा हमने डीएसबी एफसी में देखा था, 2 इंटू हाइएस्ट मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो 2fm2, क्लियर है पॉइंट। अब अगर मैं यहां पर पावर कैलकुलेशन करूं तो ये आपके पास एसटी इक्वेशन है, पावर आप देख सकते हैं ऑल फोर टर्म्स आपके कॉस के हैं, तो क्या होगा सभी के लिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, सेम है आपका, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा आपका यहां से ए सी स्क्वायर ए एम वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट प्लस ए सी स्क्वायर ए एम वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट
प्लस ए सी स्क्वायर ए एम टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस ए सी स्क्वायर ए एम टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो यहां पर आपका टोटल पावर जो है वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाय 4 इंटू ए एम वन स्क्वायर प्लस ए एम टू स्क्वायर, ओके, होल ब्रैकेट। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज योर टोटल पावर इन केस ऑफ मल्टी टोन डीएसबीएससी मॉड्यूलेशन। आप देख सकते हैं सिंगल टोन में क्या आया था, ए सी स्क्वायर ए एम वन स्क्वायर बाय 4। यहां पर ए एम वन स्क्वायर की जगह ए एम वन स्क्वायर प्लस ए एम टू स्क्वायर एंड सो ऑन। सो फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम है, आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स आपको याद भी कैसे रखना है, आपको लॉजिकली याद रखना है कि वहां पर सिंगल टोन था तो ए एम वन स्क्वायर, मल्टी टोन है तो ए एम वन स्क्वायर प्लस ए एम टू स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट्स इट। क्लियर है लॉजिक? यहां पर भी आपकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 100%। जब भी आप सप्रेस्ड कैरियर देखें तो एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी आपकी, 100% ही होगी, क्योंकि आपका कैरियर का टर्म है ही नहीं, तो साइडबैंड पावर और टोटल पावर दोनों क्या होंगे आपके, सेम होंगे। नाउ अब अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करूं इन सारे एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए, सो यहां पर हमें एम टी और सी टी की वैल्यू गिवन है। एम टी इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 3t एंड सी टी इज इक्वल टू 30 cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 60। ओके, और आपको क्वेश्चन में यह गिवन है कि एम टी एंड सी टी आर यूज टू जनरेट DSB-SC सिग्नल। ओके, तो ड्रॉ द स्पेक्ट्रम, कैलकुलेट द बैंडविड्थ पावर। ओके, सो हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले DSB-SC का इक्वेशन लिखना है, कितना हो जाएगा AC MT cos ओमेगा CT। ओके, तो यहां पर बेसिकली क्या करना है, MT और CT का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 150 cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 3t, ओके, इंटू cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 60। क्लियर है पॉइंट यहां पर अच्छे से? नाउ यहां पर अगर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो आपको पता है स्पेक्ट्रम आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, ये आपका सिंगल टोन मॉड्यूलेशन ही है क्योंकि यहां पर आपका एम टी जो है वो कॉस के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो क्या होता है आपका स्पेक्ट्रम, आप देख सकते हैं पहला आपका आता है एफसी प्लस एफएम पर, ठीक है। तो एफसी प्लस एफएम पर आप इस तरह से लिख लीजिए, एफसी कितना है आपका 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3, ओके। और आपका जो इंपल्स की वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी, एसी एएम बाय 4, ओके। सो यहां पर एसी कितना है 30, एएम कितना है 5 डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो 150 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है पॉइंट? नाउ सेम आपका बन जाएगा नेगेटिव साइड, 150 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 3। नेक्स्ट आपका क्या आता है, एफसी माइनस एफएम, दैट मींस 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 3, सेम आपका बन जाएगा नेगेटिव साइड, माइनस 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3, ठीक है। इनके भी एम्पलीट्यूड आपके क्या होंगे, 150 डिवाइडेड बाय 4, ओके। नाउ अब अगर मैं यहां पर बैंडविड्थ देखूं तो बैंडविड्थ क्या थी आपकी, 2 FM, ओके। सो 2 FM मीन्स कितना हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं FM कितना है आपका 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 2 kHz, ओके। नाउ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज योर पावर। तो पावर का आपका क्या फॉर्मूला है, ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो ए सी की वैल्यू कितनी दी है आप देख सकते हैं यहां पर 30, ए एम की 5, ओके। सो 30 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है पॉइंट? तो आपका किलोवाट में आंसर आप लिख सकते हैं, यहां पर बड़ी वैल्यू आएगी आपकी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ऐसे। सो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था आपका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको DSB-FC क्लियर है तो DSB-SC में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, स्पेशली बेसिक पार्ट में जो हमने आज की वीडियो में स्टडी किया है, ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाएंगे DSB-SC के, विच इज द जनरेशन ऑफ DSB-SC,
ओके, डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबीएससी, और उन्हीं पार्ट्स पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. ओके, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा. ठीक है, गुड बाय.